बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी खाना विद अफशीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी हम बनाने लगे हैं वो है दाल चना फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी बनती है, तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी खाना विद अफशीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी हम बनाने लगे हैं वो है दाल चना फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी बनती है, तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसमें मैंने दाल चने की ली थी, उसको धो के मैंने भिगो दिया था 2-3 घंटे, फिर उसको मैंने उबाल लिया है। ये देखें, ये अब गल चुकी है। उसके अलावा ये मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च लिया, इसको बारीक काट लिया है। टमाटर लिए, उनको काट लिया है। 2 प्याज लिए हैं, उनको काट लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और स्पाइस में मैंने इसमें जो है हरा इसमें लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून जो है इसमें हल्दी है, सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया, आप अपने टेस्ट से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने धनिया पाउडर लिया है, तकरीबन 1.5 टीस्पून है, 1 टीस्पून गरम मसाला है जो मैं एंड में डालूंगी। तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को ऑन किया है, अब इसमें मैं ऑयल डालती हूँ, तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि चने की दाल है और ये फ्राई अच्छी बनती है। इसमें ज़रा घी का तड़का सही होता है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब जब हमारा ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी है और बिल्कुल जैसे आप ढाबे से लेते हैं या रेस्टोरेंट से लेते हैं, बिल्कुल वैसी मज़ेदार सी दाल बनेगी। नान के साथ, चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें जो प्याज हमने काट के रखे थे उसको ऐड कर देते हैं। और प्याज को हम इसमें ब्राउन कर लेंगे। ये प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है, बस ज़्यादा काला नहीं करना इसको, बस ये हमारा अच्छा सा पक चुका है। अब इसमें जो 2 टेबल स्पून हमारे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो इसमें ऐड करते हैं। और इसके बाद हम इसमें जो हमने टमाटर काट के रखे हैं वो ऐड कर देंगे। इसमें अच्छे से हम भूनेंगे इसको और फिर बाद में इसमें अपने स्पाइस ऐड करेंगे। ये हमारे टमाटर और मसाला सारा अच्छा सा भुन रहा है। अब हम इसमें साथ ही जो स्पाइस हमने लिए थे, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सिर्फ हम इसमें अभी गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे, बाकी तमाम स्पाइस हम ऐड कर देंगे इसमें। अब तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर लिए हैं और इसमें अच्छी तरह मसालों को मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से हम अपना मसाले भून लेंगे, ताकि जो टमाटर और मसाले सारा है वो अच्छी सी हमारी ग्रेवी बने और सारे सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से भूनेंगे इसको, कवर करके रख देते हैं। जब भून जाएगा तो फिर बाद में हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से भून रहा है, अभी थोड़ा सा और भूनेंगे
जब टमाटर अच्छी तरह मेल्ट हो जाएंगे, तमाम मसाला भून जाएगा, तो फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। अब ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं इसमें 1 टेबल स्पून आप कसूरी मेथी ऐड करूँगी। मेथी से बहुत मज़े की दाल बनती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल ढाबे जैसी रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल आपकी दाल फ्राई तैयार होगी। मेथी डाल दिया, इसको तकरीबन 2-3 मिनट में भूनूंगी इसमें, फिर इसके बाद हम दाल ऐड करते हैं इसमें। अब ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें जो हमने बॉयल करके चने की दाल रखी है वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है, बहुत हाई फ्लेम नहीं है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कर रहे हैं, भून रहे हैं मसाले को। और अब हम इसमें दाल ऐड करते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, हल्के आंच से इसको मिक्स करें ताकि ये मसाले में अच्छे से पक जाए और हमारी मज़ेदार सी दाल फ्राई जो है रेस्टोरेंट फ्राई जो तैयार हो जाए। ये थोड़ी ढीली ढीली अच्छी लगती है, कुछ लोग ज़्यादा फ्राई इसको पसंद करते हैं सूखी, तो आप उस तरह बना सकते हैं। हम लोग थोड़ी ढीली ढीली जैसे रेस्टोरेंट से भी मिलती है तो उस तरह अच्छी लगती है नान चपाती के साथ खाने में। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं, थोड़ी देर भून जाए इसमें मसाले में। अब हम चेक करते हैं अपनी दाल को और ये देखें इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है और ये हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी गाढ़ी है। अब इस स्टेज पे इसमें जो मैंने हरी मिर्च वो आधी मैं इसमें अभी ऐड कर देती हूँ, आधी बाद में, और थोड़ा सा हरा धनिया अभी ऐड कर देती हूँ और कुछ मैं बाद में डालूँगी। ये इसको मिक्स कर देते हैं और इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे ना 5 मिनट के लिए ऐसे दम वाली आंच पे रखूँगी, ऑयल भी ऊपर आ जाएगा तो हमारी दाल तैयार हो जाएगी। फिर हम इसमें गरम मसाला और बाकी जो है आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये हमारी दाल अब तैयार हो चुकी है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब जो हमने गरम मसाला रखा था वो हम इसमें ऐड करते हैं। गरम मसाला ऐड करके हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ये हमने अपने बाउल में निकाल ली है दाल को, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अब मैंने थोड़ा सा धनिया रखा था ऊपर तो वो हम इस पे डाल देते हैं और अब इसको किसी भगार या तड़के की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत मज़े की स्पाइसी टेस्टी हमारी दाल बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचें। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।